मोक्षदा एकादशी पर बालाजी मंदिर से उदयगिरी परिक्रमा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ये पांचवा वर्ष है मोक्षदा एकादशी के पावन पर्व पर 30 नवंबर 2017 को प्रारंभ करी थी। पर्यावरण संरक्षण, नदी संरक्षण, विदिशा को शुद्ध बनाना, विदिशा को पवित्र बनाना, विदिशा की पुरातात्विक धरोहर को जो है पूरे भारतवर्ष में फैलाना, यही उद्देश्य था इस परिक्रमा को करने का। ये पांचवा वर्ष है, आज पूरे 5 वर्ष हो गए मोक्षदा एकादशी के पावन पर्व पर। विदिशा के सैकड़ों भक्तों द्वारा निस्वार्थ भाव से इस परिक्रमा को किया जाता है। देख रहे हो ये जनमानस जो है अकेले चले थे, कारवां बढ़ता गया, बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये धार्मिक यात्रा है, टोटल भगवान की, भगवान विष्णु की, भगवान महादेव की कृपा है और सैकड़ों भक्त निस्वार्थ भाव से, क्या बच्चे क्या जवान क्या बूढ़े, सभी इसमें चल रहे हैं बहुत शानदार ढंग से। लोग कृपा बनी रहे, लोग सेवा भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं, लोग रास्ते में फलार भी कराते हैं, जलपान कराते हैं, चाय पिलाते हैं और उनसे ऐसा नहीं अपन कहते हैं, वो खुद लेकर इंतजार करते हैं। आज गांव की स्थिति यह है, उदयगिरी के बीच में जितने भी गांव हैं लोग झंडे का इंतजार कर रहे हैं कि आज एकादशी का महापर्व है और जो है झंडा श्री वेंकटेश बालाजी मंदिर से चल के आ रहा होगा, उस धर्म यात्रा में हमको शामिल होना है। हमारा मूल उद्देश्य है विदिशा तीर्थ बने और विदिशा भारतवर्ष के नक्शे पर उभर के आए, क्योंकि विदिशा एक प्राचीन नगर है, काशी उज्जैन के समकक्ष नगर है, यहाँ का ऐतिहासिक बड़ा प्राचीन इतिहास रहा है, बड़ा गौरवमय इतिहास रहा है। आज उसी कल्पनाओं को साकार करने के लिए ये शहर के नगर के सैकड़ों भक्त चले जा रहे हैं पैदल 18-20 किलोमीटर की ये यात्रा। लोग थके हारे पानी पीते यहीं से बैठते उठते चलते रहते हैं, लेकिन हमें विश्वास है, हमें ये निश्चित विश्वास है कि आने वाला समय मथुरा वृंदावन की तरह ये विदिशा का पवित्र मार्ग फिर वैसे ही फलीभूत होगा, वैसे का वैसा फिर चलेगा, धर्म की ब्यार यहाँ पे है। धन्यवाद।